इंटरनेशनल नंबर तो कॉल आ रही थी कल तो, ते वो पहला तो उन्हें डरदिया चुप करके दसिया नहीं, 5 लाख रुपया मंगे जा रहा है। मैंने कल तो कॉल आ रही थी ना जी, 5:03 तो पहली कॉल आई थी मैंने, जिदा करके सू ट्रॉफी चाहिए करी, पैसे चक के वो भज गए। बट वो पार्टी ने चीज करके असी दोनों ही जोड़े मुलजम है वो फड़न च कामयाब हुए हैं। पर इन्होंने मैं बहुत तर्क किया भी असं गोलियां मार देंगे, फलाना कर देंगे, पत्तल चढ़ा देंगे, बच्चे मार देंगे, 5 लाख रुपये चाहिए वा भी, इन्ना पित्तल भर देंगे जिहड़ा तुसी याद रखोगे, जिहड़ा भी पैसा जे सानू ना दिता। तो दूजी गल ये है भी जो साढ़े नाल गल निबड़ गई तो तुहानू किसी भी गैंगस्टर की कॉल नहीं। डरो ना जी, डरो ना, मैं भी डरदा सी पर हुण मैनू पता लगे डरो ना, कोई कोई पुलिस प्रशासन नाल होवे जी कुछ नहीं हो सकता। गैंगस्टर बन के पित्तल शरीर च भरन दी धमकी दे के मंगदा सी फिरौती। लुधियाना पुलिस ने जाल विछा के दो दोषियों नू कीता काबू। 1.5 लाख दी नकदी, नकली पिस्टल अते तेजधार हथियार भी होया बरामद। हलवाई कोलों फिरौती मंगण वाले दो दोषियों नू लुधियाना पुलिस ने जाल विछा के लुधियाना गिल नेड़े कैंट पुल कोलों गिरफ्तार किया। पुलिस नू सुनील कुमार दे नां दे शख्स ने शिकायत दित्ती सी कि उसनू इंटरनेशनल नंबर ते फोन करके मुलजम गैंगस्टर दस के फिरौती मंग रहे ने। उन्हां दस्सिया कि मैनू जानों मारन की धमकी भी दित्ती जा रही है, इस दे नाल ही परिवार नू भी मारन की धमकी दित्ती गई है। मुलजम ये भी कह रहे सन कि उसके शरीर दे विच पित्तल भर देणगे, जिस तों बाद पीड़ित ने पुलिस नू इसकी इतलाह दित्ती। पुलिस कमिश्नर ने खुद मौके ते जाके मुलजमां नू काबू किया, खुद इस पूरे ऑपरेशन दे विच शामिल होके इस नू नेपरे चाड़िया अते दो दोषियों नू गिरफ्तार करन दे विच वड्डी कामयाबी हासिल कीती है। सर मेरा नाम सुनील कुमार, पिंड चंडीवाली है जी मेरा, चंडीगढ़ रोड के उपर। की वाकया होया तुहाडे नाल? वाकया मैनू कल तो कॉल आ रही थी इन्हां दी, 5:03 तो पहली कॉल आई सी मैनू, जिदां करके सानू फरौती चाहीदी है। किस नंबर ते? कोई बाहरों ही नंबर सीगा, +60 तो जिस तरह नंबर, कोई मलेशिया या कितने का हो मैनू नहीं कोई पता। भी फिर मैं डरदे ने पहला तो मैं गल नहीं की, फिर सवेरे फिर मैं अपने फुकल पैंट चार साहब नाल गलबात की, ठीक है जी। उन्होंने मेरे बहुत सहयोग दिता, तो सर ने अमन बराड़ जी, इन्होंने दसवंत सिंह जी ने, इन्होंने बहुत मेरी हैल्प की। 3-4 घंटे इन्होंने मेरा सारा ऑपरेशन सैट करता। पर इन्होंने मैं बहुत तर्क किया भी असं गोलियां मार देंगे, फलाना कर देंगे, पत्तल चढ़ा देंगे, बच्चे मार देंगे, 5 लाख रुपये चाहिए वा। पर मैं उन्होंने कहा भी मैं इन्ने पैसे नहीं दे सकता है कि मैं कितने दूंगा। फिर असी आके सर जी ना फुकल पेंड आके रिपोर्ट की, साढ़ा मेरे ख्याल 4-5 घंटे जी ऑपरेशन क्लीयर हो गया जी। की कहना चाहोगे पुलिस की इस कामयाबी? पुलिस ने बहुत बहुत मेरी मदद की, इन्होंने जिस हिसाब से मेरा हालात सीगा बहुत मैं धन्यवाद करता इन्हों का, बहुत ज़्यादा, बहुत सर ने इन्नी मेहनत मदद की। अमन बराड़ जी ने, सुवन सिंह सिद्धू जी ने अपने बैठता बहुत ज़्यादा। डरो ना जी, डरो ना, मैं भी डरता पर हूँ मैं पता लगे डरो ना, कोई हाँ कोई नहीं, हाँ बस पुलिस प्रशासन नाल हो जी कुछ नहीं हो सकता, ये नाल हूँ तो कोई कोई कुछ नहीं बाल कर नहीं सकता। तो इन्हें बिलीव करो, इन्हों दसो, आप जिस तरह मैं हों जा मैं ना हौसला मिलता, मैं ना दसदा शायद मैं फरौती दे दिता, ठीक है। मैंने इन्होंने को आके बहुत हौसला मिले, तो मेरे रिजल्ट मेरे सामने, बाकी थोड़े सामने की मिले कि किस चीज़ की इनफॉर्मेशन सी? ये असल दे विच एक आदमी तो फरौती मंगी गई सी, इंटरनेशनल नंबर तो कॉल आ रही थी कल तो, वो पहला तो उन्हें डरदिया चुप करके दसिया नहीं, 5 लाख रुपया मंगे जा रहा सी। अज साड़ी पार्टी नूं जदों ध्यान दे विच लिआंदा गया मामला, तो असी उहदे विच जिहड़ियां सिविल दे विच इस ढंग दियां कोई मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ते होर ते असी फोर्स नूं यूज़ करके उहनां नूं कैंड नहर ते जिथे टाइम दित्ता सी, जिथे कहा सी पैसे रख लो, अज उह जिहड़ा 1.5 लाख रुपया जदों देण आए सी, ते उहदे विचों उह जदों पार्टी साड़ी उत्थों एक वारी पैसे चक के वो भज गए। बट वो पार्टी ने चीज़ करके असी दोनों ही जिहड़े मुलजम है वो फड़न च कामयाब होए हैं। तो बेसिकली उहदे च कह सकते हैं भी एक बड़ा साफ ते बड़ा स्मूथ ऑपरेशन वो करके
उहदे विच कई वारी जिहड़े कि इंटरनेशनल नंबर तो कॉल्स आउंदियां ते ओ लोकां दे विच डर दा भय पैदा करके ते ओ करन दी कोशिश करदे आ। असीं मुस्तैद आ ते इह वी तुसीं देखिआ होणा इस मुस्तैदी दे नाल ही लुधियाणा पुलिस ने जिहड़ा उहनूं इफेक्टिवली ओह कीता। असीं 1.5 लाख रुपया वी उहनां तों रिकवर कर लिया। एक जिहड़ा नकली पिस्टल है जिहड़ा उहनूं बेसिकली ओरिजिनल पिस्टल नहीं ते एक दा जिहड़ा उहनूं है इहनां कोलों रिकवर कीता। हजे उन्हां नूं पुछ पड़ताल करांगे जी, हजे इहनूं लैके जाके क्योंकि ये भज्जे है ये डिगे भी इन्हां दे सट्टां भी वज्जियां ते ओह असीं उहनूं प्रोपरली उहनूं सारा चैक करके इहनां नूं ते अगे ओह करांगे अगे हजे लिजा के क्योंकि हजे मौके ते ही है ते मेन मकसद ये सी भी उत्थे किसे नूं जिहड़ा कैश देण आए वाले नूं ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿੱਤਲ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕੁਛ ਪਤਾ? ਇਹ ਹਜੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ ਫੋਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇਹ ਵਿਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਜੇ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਦੇਣ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰ, ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅਲਰਟ ਰਹੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਭਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਆਪਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸਕਸ਼ਮ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਏਵਨ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।